डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम एवं स्वागत करता हूँ। जैसे कि आज हम लोग जो है मैराथन का क्लास करेंगे। मैराथन के अंतर्गत एयरफोर्स के लिए जीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए जो है हम लोग क्या करते हैं, जीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपको जो है ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन मिलेगा और इसमें आपको पॉलिटी के भी थोड़े क्वेश्चन क्या होंगे मिलेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द बहमनी किंगडम 1347 AD। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो यह जो है 1347 AD में जो है बहमनी साम्राज्य की राजधानी के बारे में पूछ रहा है, कैपिटल के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है मदुरई, ऑप्शन बी दिया है एहसानाबाद, ऑप्शन सी दिया है अलवर और ऑप्शन डी दिया है बेदारी। तो अगर आप आएंगे तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी मदुरई थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो यह बहमनी साम्राज्य का कैपिटल या कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम तो मदुरई, इसका राइट आंसर क्या होगा, मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ देयर रिस्पेक्टिव एरा ऑफ विजिट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री भारत में अपनी यात्रा के संबंधित युग से सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो अगर आपने देखा होगा कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के समय या प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में उस समय राजा महाराजाओं के समय बहुत से विदेशी यात्री भारत में आए। वो विदेशी यात्री जो भारत में आए तो उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ देता है और ये कह रहा है कि आप मैच करें क्या जिस जिस एरा में वो आए हैं क्या उनके विदेशी यात्रियों से एरा मैच कर रहा है या नहीं। तो पहला है फाइयान, गुप्त एरा। फाइयान जो है गुप्त एरा में आया, सही है। दूसरा है वेनसोंग, पोस्ट गुप्ता एरा या वेनसोंग गुप्त काल के बाद, यह भी सही है। उसके अलावा अल बेरोनी, अर्ली मेडिवल एरा या अल बरूनी प्रारंभिक मध्यकालीन, यह भी सही है। लास्ट है डी ऑप्शन इब्न बतूता मुगल, इब्न बतूता मुगल। तो इब्न बतूता जो है वह मुगल के समय नहीं आएगा, इब्न बतूता जो है मुगल के समय नहीं आया था। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। इब्न बतूता मुगलों के समय नहीं आया था। इब्न बतूता किसके समय आया था, तुगलक डायनेस्टी में आया था। इब्न बतूता जो है तुगलक, इब्न बतूता जो है तुगलक के समय में आया था। तो इस समय कौन सा समय था, तुगलक समय, तुगलक डायनेस्टी के समय जो है इब्न बतूता जो है क्या हुआ, भारत में आया। तो उस समय कौन सा था शासक, उस समय था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है कौन आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता आया था। और यहाँ पे कह रहा है कि इब्न बतूता मुगल के समय आया है, इब्न बतूता मुगल के समय नहीं आया है, तुगलक एरा में आया है। और उस समय तुगलक एरा में कौन सा शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ जालियांवाला बाग इंसिडेंट, निम्नलिखित में से कौन जालियांवाला बाग घटना से जुड़ा था। तो जालियांवाला बाग घटना अगर आप आएंगे तो मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में या आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही दर्दनाक घटना था। और उस जालियांवाला बाग घटना में जो है जनरल डायर ने क्या किया, वहाँ पे जो भी लोग जो है मेले में फेस्टिवल लोग मना रहे थे उनके ऊपर गोलियों से उसने क्या किया, बौछार कर दिया। जैसे इस तरीके से सिचुएशन था। वह मान लीजिए जालियांवाला बाग जो था उसके अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता था और निकलने के लिए भी यही रास्ता था। तो उस जो है जालियांवाले बाग में जो है लोग इकट्ठा होकर जो है फेस्टिवल क्या कर रहे थे, मना रहे थे। उसी समय जो है जनरल डायर अपने फोर्स के साथ आता है और इसी गेट पर खड़ा होके, इसी रास्ते पर खड़ा होके लोगों के ऊपर जो है गोलियों की बारिश करना शुरू करता है और वहाँ पे जो है भारी मात्रा में लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे जालियांवाला बाग घटना से जुड़े थे डॉक्टर सत्यपाल भी जुड़े थे, सैफुद्दीन किचलू भी जुड़े थे, हर्ष चेर नहीं जुड़े थे। तो इस प्रकार ए और बी दोनों जुड़े थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो इस प्रकार ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा, बोथ ए और बी दोनों। तो जालियांवाला बाग घटना से डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों पर्सनालिटी क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जालियांवाला बाग का घटना कब हुआ है, तो जालियांवाला बाग का घटना 1919 में हुआ और किसके द्वारा किया गया था, जनरल डायर के द्वारा क्या किया गया था, ये घटना को अंजाम दिया गया था। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो बोथ ए और बी दोनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, हु वाज डिफीटेड बाई पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था। ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो अगर आप आएंगे तो पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन या तराइन के प्रथम युद्ध में जो 1191 में हुआ था उसमें जो है उसने किसको हराया, तो मोहम्मद गौरी को उसने क्या किया, हराया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में जो 1191 में हुआ किसको हराया था, तो मोहम्मद गौरी को उसने क्या किया था, हराया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 26 जनवरी वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो अगर आप आएंगे, ऑप्शन ए दिया है 1919, ऑप्शन बी दिया है 1942, ऑप्शन सी दिया है 1946, ऑप्शन डी दिया है 1930। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। उस समय 26 जनवरी 1930 को जो है रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वतंत्रता दिवस या जो है इंडिपेंडेंस डे क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया। इसी डे को ध्यान में रखकर 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में
पूरे भारत में भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया या इम्प्लीमेंट किया गया। तो जो घटना 26 जनवरी 1930 को हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेतृत्व की लीडरशिप में रावी नदी के तट पर उन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया था या पूर्ण स्वतंत्रता को उन्होंने क्या किया था, सेलिब्रेट किया था। उसी डेट को ध्यान में रखकर 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। डी उत्तर क्या होगा, सही होगा, 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया था, मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, नवजीवन ट्रस्ट वाज इंस्टीट्यूटेड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोपोगेटिंग पीसफुल मीन्स ऑफ अटेनिंग थर्ड स्वराज। नवजीवन ट्रस्ट की स्थापना तृतीय स्वराज प्राप्त करने के शांतिपूर्ण साधनों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से की गई थी, किसके द्वारा। ये पूछ रहा है कि जो नवजीवन ट्रस्ट था, नवजीवन ट्रस्ट की स्थापना या फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया था। तो नवजीवन ट्रस्ट का फाउंडेशन जो है महात्मा गांधी, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन आप पे आएंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा नवजीवन ट्रस्ट को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था या उसका फाउंडेशन किया गया था। उसके अलावा ये जो तीन के तीन पर्सनालिटी के नाम और दिए गए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ देता है कि बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी न्यूज़पेपर चलाया गया था, मराठा न्यूज़पेपर चलाया गया था। उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत ही बढ़िया स्लोगन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी अधिकार को लेना जो है अंग्रेजों से मेरा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जन्मसिद्ध अधिकार का बात किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो लाला लाजपत राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, इंडिया जब फ्री हुआ, अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हुआ, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में बनाए गए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 नवजीवन ट्रस्ट से संबंधित है और नवजीवन ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किसने किया था, तो महात्मा गांधी। इस प्रकार ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हु बेट्रैड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। 1757 में, 1757 में जो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था, तो सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था, तो 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। ऑप्शन ए है हैदर अली, ऑप्शन बी है मीर कासिम, ऑप्शन सी है मीर जाफर, ऑप्शन डी है नवाब या अवध के नवाब। तो ऑप्शन सी मीर जाफर, मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में क्या दिया था, धोखा दिया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था, तो मीर जाफर ने धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ड्यूरिंग हुज पीरियड वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ, स्थापना हुआ। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना
किसके समय में हुआ है? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित कुछ और फैक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। तो लॉर्ड डफरिन के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ? स्थापना हुआ। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के फर्स्ट चेयरमैन कौन हुए? तो फर्स्ट चेयरमैन अगर आप आएंगे WC बनर्जी। कौन हुए? WC बनर्जी। बहुत पूछा जाता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है किसके फर्स्ट चेयरमैन थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो फर्स्ट चेयरमैन किसको बनाया गया? WC बनर्जी। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष फर्स्ट वोमेन चेयरमैन, तो फर्स्ट वोमेन चेयरमैन कौन थी? एनी बेसेंट। उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट जो है फर्स्ट चेयरमैन थी महिला। उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन लेडी या प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू थी। क्या नाम था उनका? सरोजनी नायडू। उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बार चेयरमैनी के रूप में कार्य किया या चेयरपर्सन के रूप में कार्य किया, तो वह जो है बेलगांव समिट में उन्होंने जो है महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेयरपर्सन के रूप में कार्य किया। कब किया? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने जो है क्या किया, तो महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेयरपर्सन के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है? द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज द एस्टेब्लिश्ड इन 1834। ये कह रहा है कि पहला विधि आयोग 1834 में बनाया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो प्रथम विधि आयोग जो 1834 में बनाया गया था वह लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले के चेयरपर्सन में बनाया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। प्रथम विधि आयोग के जो है अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन क्या कर रहा है? हु वाज द फर्स्ट ग्रेट भक्ति संत ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत कौन थे? तो उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत के बारे में पूछ रहा है, तो रामानंद। उनका नाम क्या था? रामानंद जो है महान भक्ति संत नॉर्थ इंडिया के कहलाए या उत्तर भारत के। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? जिया तरंग आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ शुरू हुआ था? मणिपुर में। जिया तरंग आंदोलन जो है मणिपुर से स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है जिया तरंग मूवमेंट, तो जिया तरंग मूवमेंट जो है मणिपुर से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो,
ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है सर पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन डी है सर माउंट फोर्ट। तो अगर आप आएंगे तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सर पैंथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन क्या किया गया, भारत भेजा गया 1946। तो जो ये कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन जो 1946 में लॉर्ड या सर पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत में भेजा गया था, इसी के आधार पे भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, असेंबली या संविधान सभा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन से मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का कार्य यह था कि वह जो है अपने लिए एक नए संविधान का, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करें, निर्माण करें। उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया तो उस समय लंदन में प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय लंदन में प्रधानमंत्री कौन था, पीएम कौन था, तो उस समय लंदन का पीएम या ब्रिटेन का पीएम जो है एटली, क्या था, एटली। और एटली कौन से पार्टी के थे, तो एटली जो है लेबर पार्टी के थे। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सर पैंथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया। लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया या भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल नहीं था, लॉर्ड कैनन नहीं था, लॉर्ड क्लिंटन नहीं था, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है क्या था, यह अंतिम ब्रिटिश वायसराय था या लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हु हैज इंट्रोड्यूस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम एरा ऑफ मुगल्स, या मुगलों के काल में भू राजस्व व्यवस्था किसने शुरू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगलों के काल में भू राजस्व व्यवस्था या लैंड रेवेन्यू सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, बाबर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। तो अकबर के द्वारा जो है मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था या लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू पे सोल्डियर्स इन कैश इन स्टीड ऑफ थ्रो इक्ता, या सैनिकों को एकता के बदले नगद भुगतान करने वाला पहला सुल्तान कौन था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है खुसरो खान। तो आप आएंगे तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता के बदले नगद भुगतान करने वाला पहला सुल्तान था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लॉर्ड लिट्टन हु वाज अकाउंटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स पास्ड इन 1878।
लॉर्ड लिट्टन जो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के लिए उत्तरदायी थे? कह रहा है कि लॉर्ड लिट्टन जो भारत में गवर्नर जनरल के रूप में थे, उनके समय कौन सा एक्ट पास किया गया? ऑप्शन ए है द रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया और यह बात कर रहा है 1878 का। दूसरा है बी ऑप्शन द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में आया, तो यही आंसर हम लोग का होगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिट्टन के समय आया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, या प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन या फर्स्ट राउंड टेबल के बारे में बात कर रहा है, जिसमें ऑप्शन ए नवंबर 1930, दिसंबर 1931, जनवरी 1932, दिसंबर 1932। तो अगर आप आएंगे तो ये जो राउंड टेबल हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं। गोलमेज सम्मेलन तीन हुआ है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था नवंबर 1930 में, नवंबर 1930 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके अलावा इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से भारत के कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है महात्मा गांधी ने जो है क्या किया था, भाग लिया था। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोनों फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्या कि राउंड टेबल, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करे गए उसमें कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने भाग लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटर के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिविलियन रिलेटेड टू आनंदमठ नॉवेल, या आनंदमठ उपन्यास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह है? तो सन्यासी विद्रोह जो है वह आनंदमठ उपन्यास या आनंदमठ नॉवेल से जो है संबंधित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। सन्यासी विद्रोह जो है आनंद मठ से क्या था, संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं कौन जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं था, इसके बारे में पूछ रहा है। के एम मुंशी, जयप्रकाश नारायण,
जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है संविधान सभा के सदस्य थे, तो यह उत्तर होगा नहीं। जेबी कृपलानी भी सदस्य थे, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। के एम मुंशी भी सदस्य थे, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन जयप्रकाश नारायण एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर थे उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट हुआ था। कैसे हुआ था? इनडायरेक्ट हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था, डायरेक्ट नहीं हुआ था। कि इनडायरेक्ट इस सेंस में क्योंकि उनको जनता के द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि उस समय जो विधानमंडल थे, विधानसभा थे, उनके सदस्यों के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का रहा है विथ रिफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। कैबिनेट मिशन प्लान, माउंट बेटन प्लान, एटली की घोषणा, वेवेल योजना। ये कह रहा है कि आप क्रम से सजाएं, ये कह रहा है कि क्रम से आप क्या करें, इसको सजाएं, किस किस तरीके से जो है ये घटना घटा है फ्रीडम मोमेंट में अगर आप आएंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है ऑप्शन में, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बेटन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है कब आया है, कैबिनेट मिशन योजना आया है 1946 में, माउंटबेटन 1947 में, एटली की घोषणा भी अगर आप आएंगे तो 1946 के पहले ही आया था, और वेवेल प्लान भी जो है 1947 में आया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो इसका उत्तर होगा 4, 1, 3, 2 डी ऑप्शन सही होगा, 4, 1, 3, 2। सबसे पहले वेवेल योजना के बाद कैबिनेट मिशन प्लान, फिर 3 नंबर एटली अनाउंसमेंट, और 2 नंबर माउंटबेटन प्लान। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 4, 1, 3, 2 राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पेसीज ऑफ मंकी कॉल्ड लायन टेल्ड मैके इज, या शेर की पूंछ वाले मेकोंग नामक बंदर की प्रजाति का प्राकृतिक आवास है। गारो हिल्स, कुल्लू घाटी, नल्ला मलाई हिल्स, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली जो है उसका क्या है, प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने खुद को आस्तिक के रूप में व्याख्यायित किया, लाहौर षड्यंत्र केस में इन्होंने भूमिका निभाई, वह समाजवाद में विश्वास करते थे। ये 3 स्टेटमेंट दिया है, और ये तीनों स्टेटमेंट पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए दिया है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी दिया है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी दिया है भगत सिंह, ऑप्शन डी दिया है राजेंद्र लाहिरी। तो अगर आप आएंगे तो उन्होंने खुद को आस्तिक के रूप में व्याख्यायित किया, यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। स्टेटमेंट क्या है, सही है, भगत सिंह से संबंधित, उन्होंने अपने आप को आस्तिक के रूप में बताया। ही प्लेड रोल लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, तो लाहौर षड्यंत्र केस में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह भी सही है। और वह समाजवाद में विश्वास करते थे, समाजवाद में भी वो क्या करते थे, विश्वास करते थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट अगर आप आएंगे तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है किससे संबंधित है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है भगत सिंह से संबंधित है।
तो इस प्रकार ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। भगत सिंह जो है लाहौर षड्यंत्र केस में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया था। उसके अलावा भगत सिंह समाजवाद में विश्वास रखते थे और भगत सिंह अपने आप को आस्तिक के रूप में भी देखते थे। ये सभी स्टेटमेंट किससे संबंधित थे, तो ये सभी स्टेटमेंट जो है भगत सिंह से संबंधित थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेविड हेरे वाज द पायनियर ऑफ यंग या डेविड हेरे युवा बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे। दूसरा ऑप्शन दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन से संबंधित थे। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह ऑप्शन गलत है और यह स्टेटमेंट सही है। वन ए का ऑप्शन क्या होगा, वनली वन क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामाकृष्ण मिशन इन 1897। तो ये रामाकृष्ण मिशन के बारे में पूछ रहा है कि 1897 में वे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन को क्या किया, स्थापित किया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा भारत के किस शहर के लिए कार्य करता है। तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा भारत के किस शहर के लिए कार्य करता है, तो अहमदाबाद गुजरात, नहीं गलत है, रांची झारखंड, गलत है, बेंगलुरु कर्नाटक, गलत है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए जो है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा या स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है क्या करता है, रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 26, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड, भारतीय पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। तो भारतीय पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। तो अगर आप आएंगे तो अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो इस तरीके से आप आए, तो अगर आप आएंगे तो ये इस रीजन के बारे में पूछ रहा, ये जो है कौन से रीजन के बारे में पूछ रहा है, तो ये इस वाले रीजन के बारे में पूछ रहा है, यहाँ ईस्टर्न के बारे में, भारतीय पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को। तो अगर आप आएंगे तो उसका उत्तरी भाग जो है इसको हम लोग उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, और उसके अलावा अगर आप इसके साउदर्न पार्ट पे आएंगे तो इसे हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 का कोरोमंडल कोस्ट क्या होगा, यह सही उत्तर होगा, कुंकल तट और मालाबार तट। अगर आप इस रीजन में आएंगे वेस्टर्न घाट में, तो वेस्टर्न घाट में अगर आप आएंगे तो वेस्टर्न घाट के रीजन में आपको जो है यहाँ पे पश्चिमी घाट के रीजन में तीन भागों में उसको बांटा गया है। सबसे उत्तरी वाले भाग को कोंकण, मध्य वाले भाग को कन्नड़ और साउथ वाले भाग को जो है मालाबार। तो मालाबार जो है कहाँ पे पाया जाएगा, वेस्टर्न घाट में, और कोरोमंडल ईस्टर्न घाट में पाया जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि यह भारतीय पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में पूछ रहा है, और 27 कह रहा है, वेयर इज द पलामू टाइगर रिजर्व लोकेटेड, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो पलामू टाइगर रिजर्व राजस्थान में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो कहाँ पे है, झारखंड में है। तो इस प्रकार पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में पाया जाता है, और ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द सन राइजेज फर्स्ट, या निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है।
तो गुजरात, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप आएंगे तो अगर इंडिया का लोकेशन देखेंगे आप, अगर आप इंडिया का लोकेशन देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश यहाँ मिलेगा और सिक्किम यहाँ पे मिलेगा, उसके अलावा मणिपुर यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारे लोकेशन पे अगर आप आएंगे, और ये कह रहा है कि सबसे पहले जो है भारत में सूर्य जो है कहाँ पे राइज होगा। तो अगर राइज होगा और सूर्य जो है ईस्टर्न पार्ट में क्या होता है, उगता है, तो ईस्टर्न पार्ट में अगर सूर्य उगेगा तो सबसे पहला प्रकाश कहाँ पड़ेगा, सबसे पहला प्रकाश तो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो फर्स्ट राइज सन जो स्टेट पूछ रहा है तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है, क्योंकि सबसे ईस्टर्न पार्ट में है, तो इस प्रकार यह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। गुजरात में इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि गुजरात में सबसे अंतिम में होगा, क्योंकि गुजरात क्या है, सबसे वेस्ट में है, तो गुजरात में सबसे अंतिम में होगा। मणिपुर तो सबसे पहले कहाँ पे पड़ेगा ऑप्शन के अनुसार, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा, फिर मणिपुर में होगा, फिर सिक्किम में होगा, और गुजरात में क्या होगा, लास्ट में होगा। क्योंकि अगर क्रम देखेंगे ईस्ट से वेस्ट तो सबसे पहले ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर सिक्किम, फिर गुजरात। तो इस प्रकार ऑप्शन डी क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, एमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन ऑफ द नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, निम्नलिखित शहरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो सबसे निकट है, तो अगर आपको मैंने पढ़ाया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वह भारत के, इंडिया के 8 स्टेट से पास करता है, 8 राज्यों से होके गुजरता है। तो 8 राज्यों से होके गुजरता है, तो जिसमें आपको जो है सबसे वेस्ट में आएंगे तो गुजरात के बाद राजस्थान के बाद MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 स्टेट हैं जहाँ से होके क्या करता है, पास करता है। तो इस प्रकार अगर जो है ये 8 स्टेट से देखेंगे तो दिल्ली तो पास करता नहीं, तो दिल्ली ऑप्शन होगा नहीं। कोलकाता, क्योंकि वेस्ट बंगाल पास कर रहा है तो इसका मतलब कोलकाता हो सकता है। राजस्थान का जोधपुर, यह भी हो सकता है। नागपुर, तो नागपुर महाराष्ट्र से तो पास नहीं कर रहा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर बी और सी ऑप्शन में आएंगे तो वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता कैपिटल है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो है सबसे नियरेस्ट है, सबसे करीब है। तो इस प्रकार 29 का ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि नागा अर्जुन सागर डैम इज रिलेटेड टू विच रिवर, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी से संबंधित है। तो नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी से संबंधित है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए है पेरियार, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इस प्रकार अगर नागा अर्जुन सागर डैम के बारे में आएंगे तो कृष्णा नदी से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन विच रिवर, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है।
तो सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, सतलज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर, इज ए लैंड लॉक्ड सी, भूमि से घिरा समुद्र, कौन सा ऐसा समुद्र है, कौन सा ऐसा सागर है जो किससे है, लैंड लॉक्ड है, पूरी तरीके से स्थल से घिरा हुआ है। रेड सी, लाल सागर तो पूरी तरीके से जो है लैंड लॉक्ड नहीं है, तिमोर सागर भी नहीं है, उत्तरी सागर भी नहीं है, लेकिन अरल सागर जो है पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडिया पलानी हिल्स लोकेटेड, पलानी हिल्स भारत के किस भाग में स्थित है, पलानी हिल्स भारत के किस भाग में स्थित है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया भारत का उत्तर पूर्वी भाग, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया भारत का पश्चिमी भाग, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया भारत का दक्षिणी भाग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया भारत का पूर्वी भाग। तो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया भारत का दक्षिणी भाग में जो है पलानी हिल्स क्या है, लोकेटेड है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय इंडिया, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है। तो भारत द्वारा जो परसेंटेज कवर किया गया है 2.4%, पूरे होल वर्ल्ड का, पूरे विश्व का जो है 2.4% जो है एरिया इंडिया क्या करता है, कवर करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, 2.4% एरिया जो है इंडिया कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे अगर आप आएंगे तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनो इज इंडियाज वनली एक्टिव वोल्केनो, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप या बैरन हाईलैंड, हैवलॉक आइलैंड, कार निकोबार, नारकोंडम। तो बैरन आइलैंड, जो बैरन द्वीप है वह जो है एक्टिव वोल्केनो है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नक्की लेक लोकेटेड, नक्की झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नक्की झील गुजरात में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, एमपी में नहीं है, नक्की झील जो है राजस्थान में है। तो इस प्रकार 36 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। नक्की लेक कहाँ पे है, तो नक्की लेक जो है राजस्थान में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे अगर आप आएंगे, विच एमोंग द फॉलोइंग सॉइल्स इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक रे, कलर, यूसर, ईटीसी, उसर। तो ये निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे रे, कलर, ऊसर आदि। रेड सॉइल इसे नहीं ऐसा बोलते, ब्लैक सॉइल को नहीं बोलते, ब्लैक सॉइल को जो है इसे रेगोर के नाम से जानते हैं, रेगोर के नाम से जानते हैं, इसे रीजनल सॉइल के नाम से जानते हैं या क्षेत्रीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी नहीं होगा, सेलेनाइन एंड एल्काइन सॉइल्स, लवणी एवं क्षारीय मृदा, यह जो है इसे रेह, कल्लर या ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि संकोश नदी किसके बीच सीमा बनाती है, तो संकोश नदी पे अगर आप आएंगे तो ऑप्शन है झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम एंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी है बिहार एंड झारखंड। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है संकोश नदी क्या करती है, बाउंड्री लाइन बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। तो इस प्रकार 38 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 39 पे अगर आप आएंगे तो विच माउंटेन्स लाई द ईस्ट साइड ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्दर्न साइड ऑफ उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के पूर्व की ओर और उत्तराखंड के उत्तरी भाग में कौन से पहाड़ स्थित हैं? जास्कर, कुनलुन, हिमालय, अघिल। तो जास्कर श्रेणी क्या है, लोकेटेड है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज मेजर। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय मानक समय मापा जाता है? तो अगर आप आएंगे तो इलाहाबाद से जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या प्रयागराज से जो है क्या होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, प्रयागराज से क्या होता है पास करता है, जिसे हम लोग 82.5 डिग्री ईस्ट के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएमटी से भारत का जो समय कितना आगे है, तो 5 आवर 30 मिनट क्या है आगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नेम द स्टेट ऑफ इंडिया विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो नर्मदा नदी के बेसिन का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश तो यह हिस्सा है, नहीं होगा। राजस्थान इसका हिस्सा नहीं है, तो यह राजस्थान क्या होगा, सही होगा। जबकि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों इसके हिस्से हैं, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। तो इस प्रकार 41 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। राजस्थान जो क्षेत्र है वो नर्मदा बेसिन के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कह रहा है कोवलम बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कोवलम समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरला, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो केरला में जो है कोवलम समुद्र तट या कोवलम जो है स्थित है, कोवलम बीच जो है केरल में लोकेटेड है। तो इस प्रकार 42 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 क्या कह रहा है, 43 कह रहा है पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टू श्रीलंका। पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को श्रीलंका से जोड़ता है? तो अगर आप जो है इस तरीके से इंडिया का मैप देखेंगे, अगर इस तरीके से देखेंगे इंडिया का मैप, तो यहीं पे श्रीलंका है और यहीं पे श्रीलंका है और यहीं पे जो है पाक जल डमरू मध्य है, पाक स्ट्रेट है। तो पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु से श्रीलंका को क्या करता है, जोड़ता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। या भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से आच्छादित है? तो वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट जो है वह जो है कवर्ड बाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से क्या हुआ है, वो आच्छादित है, ढका हुआ है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। वेस्टर्न घाट जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से जो है पूरी तरीके से क्या हुआ है, ढका हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया। भारत में महाराष्ट्र का राज्य फूल क्या है, तो प्राइड ऑफ इंडिया भारत का गौरव, स्टैक लोटस ढेर कमल, सेक्रेट ट्री पवित्र वृक्ष, मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड नहीं है, प्राइड ऑफ इंडिया भारत का गौरव। तो भारत का गौरव क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा, तो 45 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 करा है, विच इज द एशियाई लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया, भारत में एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत में एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? नक्की लेक, नैनीताल। तो सबसे पहली बात तो नक्की झील दो है, नैनीताल में नहीं है। नक्की झील कहाँ पे है? तो यह जो है मैंने बताया था राजस्थान। डल लेक, लेक पिछोला, चिल्का लेक। तो चिल्का लेक जो है क्या है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि बाय विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र इंटर इनटू इंडिया, ब्रह्मपुत्र भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग, मानस, सांगपो, धनसिरी। तो ब्रह्मपुत्र जब भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग नाम से प्रवेश करती है। किस नाम से? दिहांग नाम से प्रवेश करती है। तो 47 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कोडाई कनाल द फेमस हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ, पलानी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अमरकंटक हिल्स। तो पलानी हिल्स में क्या है लोकेटेड है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन टू द अरेबियन सी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती है? इंडस, सिंधु, माही, चिनाब, तापी। तो चिनाब नदी जो है, अगर आप आएंगे तो चिनाब नदी अरेबियन सागर में नहीं बहती। 49 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 आज के मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत, दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो आज के महामैराथन क्लास में, मैराथन क्लास में एयरफोर्स के लिए हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या किया, डिस्कस किया। जो मैं तो ये नहीं कह सकता कि ये आपके एग्जाम में ही पूछे जाएंगे, लेकिन ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा जो आपके एग्जाम से पहले बहुत जरूरी है। तो थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।